आज सरस्वती पूजा के इस अवसर पर मैं छात्रों के लिए प्रेरणादायक भाषण देना चाहता हूँ। मैं अपने भाषण की शुरुआत थॉमस एडिसन के द्वारा कहे गए एक प्रेरक कथन द्वारा करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है हार मान लेना और जिंदगी में सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है हमेशा एक और बार प्रयास करना। कई छात्र ऐसे होते हैं जो मेहनत तो करते हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली है, जिसकी वजह से वे निराश हो जाते हैं और अपना काफी समय गवा देते हैं। लेकिन उन्हें निराश नहीं होना चाहिए बल्कि ऐसे सफल लोगों से सीख लेनी चाहिए जिन्होंने तमाम असफलताओं के बाद सफलता हासिल की है, क्योंकि सफलता हासिल करने के लिए हर किसी को कड़ी मेहनत, संघर्ष और कई असफलताओं से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसा बहुत ही कम लोग होते हैं जिन्हें बिना मेहनत और संघर्ष के ही अपनी मंजिल मिल जाती है। हर किसी के पास अपना अलग कला और सामर्थ्य होता है। कोई छात्र डांस, म्यूजिक, स्पोर्ट्स आदि क्षेत्रों में आगे होता है। जरूरी नहीं कि आप भी अपने क्लास में टॉपर की तरह 95% अंक लाओ तभी आपका जीवन चल सकता है, बल्कि जरूरी यह है कि हम अपने अंदर की काबिलियत को समझें और सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए अपने लक्ष्य का निर्धारण करें, तभी हम सफल हो सकते हैं। वही इस बारे में किसी महान व्यक्ति ने भी कहा है, जहाँ तुम हो वहीं से शुरुआत करो, जो कुछ तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो और वह करो जो तुम कर सकते हो। कई छात्र ऐसे भी होते हैं जो सफल तो होना चाहते हैं लेकिन वे इनके लिए मेहनत नहीं करते हैं और अपना काफी समय गवा देते हैं। उसके बाद एक समय ऐसा आता है जब उन्हें लगता है कि काश मैंने भी मेहनत की होती तो आज मैं सफल हो जाता। इसीलिए आप जब भी किसी काम के बारे में सोचे तो उसे पूरा करने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि जब तक किसी काम को पूरी निष्ठा के साथ नहीं किया जाता तब तक वो असंभव होता है। इसके अलावा कई ऐसे भी छात्र होते हैं जो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम या फिर कोई भी परीक्षा देने से पहले सोच लेते हैं कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा और वे इसके लिए मेहनत भी नहीं करते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक किसी काम को पूरी निष्ठा के साथ नहीं किया जाता तब तक वो असंभव होता है और हम सफल रह सकते हैं। वही इस बारे में नेल्सन मंडेला जी ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि जब तक किसी काम को पूरी निष्ठा के साथ नहीं किया जाता तब तक वो असंभव होता है। फिलहाल हम सभी को अपने काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए और एक सच्चा दिल संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं और सफलता की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। मैं गौतम बुद्ध द्वारा